कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि उनकी सरकार ने हुबली के नेहा मर्डर केस की जांच को सीआईडी को सौंपने का फैसला किया है। इससे पहले इस केस की जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी। इसके साथ ही एक स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया जाएगा, इसमें केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी। इस हत्याकांड को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है उन्होंने केस की जांच सीआईडी को सौंप दी है, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट का भी गठन करने जा रहे हैं। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुलिस समय से चार्जशीट दाखिल करे ताकि कोर्ट उसके आधार पर जल्द से जल्द अपना फैसला दे सके। वे नेहा के माता पिता के घर पर नहीं जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में अपराध के मामलों में कमी आई है। दरअसल इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे सूबे में माहौल गर्म है, सियासत भी अपने चरम पर है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान जारी है। कांग्रेस सत्तारूढ़ इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से एक घटना के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे लव जिहाद का मामला बता रही है। इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रही है। कई हिंदू संगठन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी ने नेहा हिरेमत की 18 अप्रैल को बीवीवी कॉलेज के परिसर में उनके सहपाठी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी फयाज मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉलेज के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। नेहा एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। फयाज पहले उसके साथ ही पढ़ता था। दोनों कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि उनकी सरकार ने हुबली के नेहा मर्डर केस की जांच को सीआईडी को सौंपने का फैसला कर लिया है। इससे पहले इस केस की जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी। इसके साथ ही एक स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया जाएगा, जिसमें केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी। इस हत्याकांड को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने केस की जांच सीआईडी को सौंप दी है, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट का भी गठन करने जा रहे हैं। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुलिस समय से चार्जशीट दाखिल करे ताकि कोर्ट उसके आधार पर जल्द से जल्द अपना फैसला दे सके। वे नेहा के माता पिता के घर पर नहीं जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में अपराध के मामलों में कमी आई है। दरअसल इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे सूबे में माहौल गर्म है, सियासत भी अपने चरम पर है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान जारी है। कांग्रेस सत्तारूढ़ इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से एक घटना के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे लव जिहाद का मामला बता रही है। इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रही है।